अरे ये क्या यार, लगता है डर के मारे पापा ने सारे फोन के रिसीवर नीचे रख दिए। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली ना, क्या करें हा? क्या करें, इंटरकॉम। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप 5,000 रुपए अपने घर के बगल वाले कूड़े के डब्बे में रख के आ जा, वरना तेरी पतली सी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। बेटा सोनू, तूने चाल तो चल ली है, लेकिन क्या पापा तेरी बात का यकीन करेंगे? यकीन कैसे नहीं करेगा जी, भाभी जी जब वो एक पराई औरत के साथ इश्क कर सकता है तो क्या उसकी बीवी पराई मर्द के साथ इश्क नहीं कर सकती? हाँ, भाभी उसके मन में चोर है, वो आपके इस नाटक पर बिल्कुल यकीन करेगा जी। लेकिन पापा जी, जो गलती वो कर रहे हैं वही अगर मैं करूँ तो फिर हम दोनों में फर्क क्या रहेगा? बहुत बड़ा फर्क है भाभी, आप उसकी गलती को सुधारने के लिए गलती का नाटक कर रही है। फिर उसको दुख देख कर आपके दिल में दर्द होगा? अब आप देखना चाहते हैं कि वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है? भोपाल ऑफिस लाइव टेलीकास्ट रिले शुरू, शाबाश। आप इतने डरे हुए क्यों हैं भूत? डैड, डैड आप इतने डरे हुए क्यों? आइए बैठिए। बेटा, आया कौन? अरे आया उसका फोन आया। अरे लेकिन आप इतना क्यों डर रहे हैं? आप तो डिफेंस वाले हैं, खुद को डिफेंड कर सकते हैं आप। नहीं, अगर मैं तुम लोगों के लिए परेशान हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? एनीवे हम लोग निभा लेंगे। बेटे, अपनी जिम्मेदारी है तो मैं खुद निभाऊंगा, तुम एक रह काम कर दो। कूड़ा दान पड़ा है ना, उसमें ये डाल दो। 5,000। 5,000? आप खुद पे 5,000 रुपए वेस्ट करेंगे? अरे बेटे मजबूर हूँ, तुम लोगों की खातिर ये करना पड़ रहा है। जल्दी जा बेटे, 5,000 रुपए। अरे 5,000।